उसकी पत्नी ने अपने पति देव से कहा कि अपने वंश को समाप्त मत कीजिए, मेरी एक छोटी बहन है उसके साथ आप शादी कर लीजिए, शायद उस संतान हो जाए। ब्राह्मण देवता ने कहा तो तुमको अच्छा लग रहा है बहन के साथ शादी करवाने के लिए, नहीं कल तुम्हारी शत्रु बन जाएगी, ऐसा मत करो। भगवान ने संतान नहीं दिया, बहुत अच्छा किया है, भगवान का भजन करेंगे सबसे आनंद उसी में, हट कर दिया नहीं, बड़ो मेरा जो है प्रिय है मेरी बहन, उस बहन के साथ जो है पूजा आप विवाह कर लीजिए। नहीं माने, एक बार 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 अनुरोध किया, विवाह कर लिया जो है उसके बहन से विवाह हो गया। विवाह होने के बाद एक साल के अंदर बच्चा पैदा हो गया, बालक हो गया, बड़ा आनंद हुआ। तो गांव के लोग जो है उसको बाझिन कहते थे, जो बहुत दिन से आई हुई है उसकी बड़ी बहन, लोग ताना मारते थे बाझिन का कि आयु उसको पुत्र नहीं हुआ, और उसको पुत्रवती कहने लगे। ये बात उसको चुभने लगी कि हमने जान बूझ करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, ये बात उसको चुभने लगी, उसका जो विचार था वो बदल गया, सोचा हम भी इसको जो है अपने ही सामान बना देंगे, इसके पुत्र का वध कर देंगे। अब उसकी बहन जो है मौसी ने जो है उस पुत्र के वध करने के निश्चय कर लिया। एक दिन वो बालक रात में सब लोग भोजन करके सो गए, और वो उसकी जो छोटी बहन का पुत्र था, रात में उसकी बड़ी बहन ने मौसी ने जो है, और वो उसका जो नाम क्या था जो बहन शादी लाया था, भुस्मा, उसका नाम भुस्मा था छोटी बहन का। तो भुस्मा का नियम था जब से जन्म लिया पार्थिव लिंग भगवान शंकर की मूर्ति बनाकर सारे दोष जो है समाप्त हो जाते हैं, इसीलिए जो है कलिकाल में पार्थिव लिंग की पूजा शास्त्रों में बहुत जो है श्रेष्ठ बतलाई गई है। तो उसने जो है उसका नित्य अनवरत कार्य चलता रहा। आज उसकी मौसी ने जो है उस बालक को रात में उसके पलंग में जो है उन्हीं पर भोलेनाथ प्रकट होकर के जो बालक को फेंका था मौसी ने, वो बालक उसके गोद में दे दिया। वो बालक जो है भगवान भोलेनाथ ने उस भुस्मा को वापस कर दिया गोद में, और भुस्मा ने जो है भगवान भोलेनाथ का दर्शन किया, कहा धन्य है तुम्हारा पूजा, जब से जन्म लिया आज तक तुमने पार्थिव लिंग की पूजा किया और संग सरोवर में जो है तुमने मुझे विसर्जन किया। इस प्रकार से जो है उनके बालक को वापस कर दिया। भगवान ने कहा भोलेनाथ ने कि अब जो मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ तो हमारी तुम यही स्थापना होगी, अब हम निष्फल नहीं होगा, आ यही पर मेरी स्थापना करो और वो स्थापना तुम्हारे नाम से होगी, भुस्मा के नाम से। भगवान भोलेनाथ ब्रह्मा ज्योतिर्लिंग वही भुस्मा के नाम से, वही तालाब के ऊपर जो है पास में उनका स्थापना हो गया, वही ब्रह्मा ज्योतिर्लिंग है भगवान भुस्मे सुमचर भुस्मा नाम से जो है भगवान जी प्रकट हुए। वृंदा बिहारी लाल की, मन को एकाग्र करते हुए और आज भगवान की कथा जो है सुदामा चरित्र होगा। अब सुदामा चरित्र कितने पवित्र विद्वान ब्राह्मण थे, क्योंकि भगवान के साथ विद्या अध्ययन किया, एक ही गुरुकुल में जो है उज्जैन में संदीप गुरुकुल के यहां बलराम कृष्ण और सुदामा तीनों विद्या अध्ययन किया। 16-64 दिन में सारी कलाओं से युक्त सारी विद्या तीनों लोगों ने प्राप्त किया, और विद्या प्राप्त करने के बाद अपने अपने जो है घर वापस आ गए। लेकिन जब कन्हैया चलने लगे, गुरुदेव आपने वो विद्या अध्ययन कराया, देखिए पहले गुरुकुल होते थे, निःशुल्क पढ़ाए जाते थे, विद्यार्थियों भोजन कराए जाते थे, पत्र दिए जाते थे, इतने उपकारी होते थे हमारे श्री महर्षि जो है, निःशुल्क पढ़ाते थे। आज शिक्षकों की क्या दशा है, हमारे देश में जो है विद्या की क्या दशा है, ट्यूशन पढ़ाएंगे, जो उनको ज्ञान समुचित रूप से विद्यालय देना चाहिए वो नहीं देते हैं, अगर दे देंगे हमारे घर में ट्यूशन पढ़ने कोई नहीं आएगा। तो आज ट्यूशन की जो रोग है
हर पूरे देश में व्याप्त है। बिना ट्यूशन कोई छात्र आज पढ़ता नहीं है। तो कितनी जो है ये दुर्दशा हमारे देश की, जिस देश में ऋषि महर्षियों ने निःशुल्क आश्रम खोल करके विद्यार्थियों को पढ़ाया, भोजन दिया, वस्त्र दिया, एक पैसे नहीं लगता था। आज पिता की जेब जानती है, जो बालक पढ़ाता है, जो पिता वो जानता है कितना खर्चा होता है बालक के पढ़ाने में। तो आज कितनी महंगी शिक्षा हो गई है, इस सबके बस की बात नहीं है शिक्षा देना। और आज प्रकार से उन शिक्षकों को ये कितने अभागे हैं कि हमको ये ज्ञान प्राप्त किया, निःशुल्क देना चाहिए, लेकिन पैसा लेकर के बेच रहे हैं, दे रहे हैं। ये जो है आज हमारा देश, जो कि धर्म प्रधान देश है, ऋषियों का देश है, महर्षियों का देश है, ऐसे देश में कितने अनाचार अत्याचार ये सब चल रहे हैं। अब ये पृथ्वी पुनः भार से जो है पाप से बोझिल हो रही है, भगवान को पुनः अवतार लेना पड़ेगा। अवतार लेकर के तब पृथ्वी के भार को दूर करेंगे। जब जब हो धर्म कई हानि, बाढ़ें अशुतम माई, जब जब असर अधर्म होता है, अन्याय बढ़ता है, तब तब भगवान को पृथ्वी में अवतार लेना पड़ता है और पृथ्वी को भार दूर करने के लिए उन दो राष्ट्रों का वध करते हैं। तो इस प्रकार से ये पवित्र जो है, जो भार अपने भारतवर्ष में पुराण बनाए गए, वेद बनाए गए, शास्त्र बनाए गए, किस लिए? इनको सुन करके, पढ़ करके अपने पापों को परिश्चित करें। जैसे अभी आपने सुना कि बलराम जी को ब्रह्महत्या लगी, ऋषियों ने क्या सुंदर उपाय बताया, या पूरे एक साल तक भारतवर्ष की परिक्रमा कीजिए, सब तीर्थों में जय स्नान कीजिए, तर्पण कीजिए, दान कीजिए, तो आप ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाएंगे। बलराम जी भगवान को यह करना पड़ा, तो साक्षात जो है अवतारी है, उन्होंने सुंदर ये एक साल तक ब्रह्म तीर्थ यात्रा किया और ब्रह्महत्या से मुक्त हुए। तो ऐसी जो है भगवान के चरणारविंदों में मन को लगा करके भगवान की कथा सुने, बड़ा सुंदर जो है सुदामा जी का प्रेम, उनका स्नेह, पतिव्रत धर्म और उनकी पत्नी सुशीला देवी कितनी पतिव्रता है। आज इन्होंने इतना दुख था, लेकिन कभी जो है अपने पति से नहीं कहा हमारे भोजन नहीं है, वस्त्र नहीं है, आभूषण नहीं है, कभी कुछ नहीं, जो मिल जाता था उसी में अपना जीवन यापन किया। सुशीला देवी करती थी, कितना उनका सुंदर गृहस्थ आश्रम था। आज का लोग जो है अगर वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, गहने नहीं है, तो मारपीट हो जाती है, तलाक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखना तक नहीं चाहते हैं। आज तो सोना का इतना भाव बढ़ गया है, कलिकार का बात है, फिर भी स्त्रियां जो है सोना पहन करके बाहर जाती हैं और घूमने के लिए जाती हैं, गला कटा जा रहा है, कान कटे जा रहे हैं, फिर भी सोना पहनना नहीं छोड़ रही हैं, क्योंकि सोने में कलिकार का वास है। घर में नहीं पहनेंगे, जो बाहर जाएंगे उन पहनेंगे, मेला में पहनेंगे, बाजार जाएंगे, शहर जाएंगे, तीर्थों में जाएंगी, कहीं जाएंगी, आभूषण पहनों जाएंगी। लेकिन हमारा सबसे निवेदन है, अब इसको जो है बंद कर दिए, अगर अपने जीव की अच्छा चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं, तो ये सोना को जो है घर में पहनिए, बाहर दिखावा करने के मत जाइए पहनने के लिए। नहीं पता नहीं कितने समय हत्या हो जाए, कोई निश्चय नहीं है, इसलिए कलिकाल बैठा हुआ है और कलिकाल कब क्या कर दे ये भरोसा नहीं है। इसलिए जो है आप लोग जो है सोने को घर में पहनिए, और जब कोई पूजा हो, अवसर हो, कहा है सोने की अंगूठी पहन करके पूजा करनी चाहिए, यज्ञ करनी चाहिए, उनको जो है पैंती पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो स्त्री जो है लेडीज अपने सोने की अंगूठी पहनी हुई है, उषा की पैंती पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। और सुंदर जो है भागवत काल में पहन करके और भगवान का चिंतन करें। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे
नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव गोविंदा बिहारी लाल की। तब दिन स्नान करने के बाद